गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज स्नुबिया राहत, योर मैथ्स टीचर। वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैथ्स डिवाइन। आई होप यू आर ऑल फाइन। सो स्टूडेंट्स, लास्ट मैथ क्लास में हमने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर सीखा था। आज हम सीखेंगे ऑर्डर ऑफ पोजिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक एट द चिल्ड्रन, यहाँ कुछ बच्चे हैं, आप उन्हें देखिए। दे आर वेटिंग आउटसाइड द कैंटीन टू बाय फूड आर्टिकल्स, वे कैंटीन के बाहर कुछ खाने का सामान खरीदने के लिए वेट कर रहे हैं। दे आर स्टैंडिंग इन अ लाइन वन आफ्टर द अदर, वे एक के बाद एक लाइन बनाकर खड़े हुए हैं। लर्न देयर ओरिजिनल पोजिशन, तो हमें उनकी ओरिजिनल पोजिशन जाननी है। सो स्टूडेंट्स, हम ये जानेंगे कि ऑर्डिनल पोजीशन क्या होती है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ कुछ बच्चे खड़े हैं एक लाइन बनाकर, तो हम उनकी पोजीशन जानने के लिए कैसे काउंट करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से नहीं। हम इनकी ऑर्डिनल पोजीशन जानने के लिए इस तरह से काउंट नहीं करेंगे। हम इनकी पोजीशन जानने के लिए इस तरह से काउंट करेंगे, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। देखा बच्चों आपने, जब हम क्यू में खड़े होते हैं तो उनकी पोजीशन जानने के लिए हम इस तरह से काउंट करते हैं। ये काउंटिंग क्या कहलाती है? ऑर्डिनल पोजीशन। ओके स्टूडेंट्स, आपकी समझ में आया ऑर्डर ऑफ पोजीशन? तो चलिए इसी से रिलेटेड हम नीचे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस टाइम। फर्स्ट इज कलर द बैलून्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डिनल पोजीशंस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, नीचे कुछ बैलून्स दिए हुए हैं। हमें ये जानना है कि कौन से बलून की पोजीशन कौन सी है। तो हम ये कैसे जानेंगे? फर्स्ट, कलर द फिफ्थ बैलून ब्लू। अब नीचे आपको बलून्स हैं, तो आपको ये जानना है कि कौन से बलून की पोजीशन फिफ्थ है। तो हम ये कैसे जानेंगे? जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमारे इस बलून की पोजीशन फिफ्थ है, तो हम इस फिफ्थ बलून में ब्लू कलर करेंगे। ओके, नाउ सेकेंड, कलर द सिक्स्थ बैलून रेड। तो यहाँ नीचे हम जानेंगे कौन सी बैलून की पोजीशन सिक्स्थ है, उसको हमें रेड कलर करना है। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये रहा हमारा सिक्स्थ बैलून, इसमें हमें रेड कलर करना है। एंड थर्ड कलर द, स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने अभी आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन एज अ एग्जाम्पल बताया है, सेम आपको उसी तरह से करना है थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, इसी तरह आपको ये एक्सरसाइज ये फिल करनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट, टेक द करेक्ट पोजिशन ऑफ द एनिमल्स। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको कुछ एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, इनको आप, इन एनिमल्स की पोजिशन आपको जाननी है कि इन एनिमल्स की कौन सी पोजिशन है। अब जैसे यहाँ है एलिफेंट, इसकी पोजिशन क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ हमें पोजीशन फिफ्थ तक दिखाई दे रही हैं। सेम इसी तरह नीचे कुछ एक्सरसाइज दी हैं, आपको इन्हीं के बेस पे राइट का निशान लगाना है, यानी कि टिक करना है। अब फर्स्ट इज गोट, फर्स्ट हमारी क्या है? गोट। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि गोट की पोजीशन क्या है। गोट की पोजीशन हमारी यहाँ पर है फिफ्थ ऊपर। तो यहाँ हम कुछ ऑप्शन दिए हैं, उसमें फिफ्थ की जगह टिक करना है। अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन है सेकंड, फिफ्थ, फोर्थ,
तो ऊपर हमारी गोट की पोजीशन क्या है, फिफ्थ, तो यहाँ हम फिफ्थ पर राइट का टिक करेंगे। नाउ सेकंड, सेकंड इज एलिफेंट। अब ऊपर की रो में एलिफेंट की पोजीशन क्या है, फर्स्ट, ठीक है, तो हम नीचे थ्री ऑप्शन दिए हैं तो उसमें हम देखेंगे फर्स्ट कहाँ है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, तो हमारा यहाँ है फर्स्ट, तो हम यहाँ फर्स्ट पर राइट का टिक करेंगे। अब थर्ड, थर्ड है बर्ड, तो आप ऊपर की रो में देखिए कि बर्ड की कौन सी पोजीशन है, बर्ड की हमारी पोजीशन है थर्ड, तो हम यहाँ नीचे ऑप्शन दिए हैं उसमें हम देखेंगे कि थर्ड कहाँ लिखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये रहा हमारा थर्ड, तो यहाँ पर हम राइट का टिक लगाएंगे। स्टूडेंट्स सेम आपको इसी तरह फोर्थ और फिफ्थ भी कंप्लीट करना है। नाउ कम टू पेज नंबर 40। सेम इसी तरह यहाँ एक्सरसाइज है, ये आपको फिल करनी है। अब फर्स्ट इज राइट द पोजिशन ऑफ ईच एनिमल इन द क्यू। यहाँ ऊपर कुछ एनिमल्स दिए हैं क्यू में, मतलब लाइन में, तो आपको उनकी पोजिशन बतानी है। अब जैसे मंकी है, उसकी पोजीशन क्या लिखी हुई है, फर्स्ट, तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इसी तरह आपको यहाँ पोजीशन फिल करनी है। नाउ सेकंड, राइट द पोजीशन ऑफ ईच बॉय इन द क्यू। अब यहाँ हर बॉय की आपको पोजीशन बतानी है जो कि क्यू में खड़े हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, यहाँ टेंथ तक कंप्लीट आपको पोजीशन नोट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये रही आज की हमारी ऑर्डर ऑफ पोजीशन। आई होप आपकी समझ में आ गई होंगी।